जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो वर्डप्रेस के ऊपर हमारे थीम से रिलेटेड और मेन्यू और इंस्टॉलेशन वगैरह हम कैसे उसको क्रिएट करते हैं उसके ऊपर है। तो हम उसका स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम करेंगे कि हम अपना जो जैम सर्वर है उसको स्टार्ट करते हैं। इन दो चीज़ों को जो हमने पीछे काम किया था, आपको स्क्रीन शो हो रही है? यहाँ से यार, ओपन करने का तरीका ये था कि हम सबसे पहले टाइप करते हैं लोकल होस्ट और उसके बाद हमारे प्रोजेक्ट का नाम। हमारे सामने एक डैशबोर्ड आ जाता है। जब हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं तो वो वहां पे हमें ये ऑप्शन देता है कि आप अपने जो एडमिन पैनल है उसका यूजर आईडी और पासवर्ड जो है ना वो आप रख लें। ये हमने जब इंस्टॉलेशन की थी लोकल होस्ट पे तो हमारा ये फ्रंट एंड का ये वाला पेज था। ठीक है, अब इससे आगे हमने इसमें एडिटिंग स्टार्ट करनी है। हमें क्या करना पड़ेगा, इसी के डैशबोर्ड में आने के लिए इसी यूआरएल के आगे हम लिखते हैं डब्ल्यूपी एडमिन, और वो यूजर नेम जब हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉलेशन के टाइम में दिया था हमें यहाँ पर टाइप करना पड़ता है। हमारा बैकएंड यहाँ पर ओपन हो जाता है। जितनी भी इंस्टॉलेशन प्रोसीजर है वो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा भी आ रहा है कि वेलकम टू वर्डप्रेस, गेट स्टार्टेड, कस्टमाइज योर सेटिंग्स। इस पे जाने से पहले हम अपने जो है हमारी वेबसाइट है हम उसका थीम जो है थीम ऑप्शन में आए। अभी ये वाला थीम हमारे इंस्टॉल है, मैं चाहता हूँ ये वाला थीम इतना कोई अच्छा नहीं है और ये वाला ठीक है। अब जैसे एजुकेशन के हवाले से कोई बना रहे हैं वेबसाइट तो हम वो ही नाम यहाँ पर डाल देते हैं, एड न्यू। एड न्यू में जाके लर्निंग लिख लेता हूँ, लर्निंग। अच्छा, यहाँ मैं ना आपको एक बात बताऊं कि ये वो थीम्स हैं जो यहाँ पर आपको लिमिटेड अवेलेबल होंगे। हमारे पास एक वेबसाइट ऐसी भी है जहाँ से हम पेड थीम वर्डप्रेस के हम डाउनलोड कर सकते हैं। ये वो थीम है जो हमें फ्री में मिले हुए हैं, हम इसमें से कोई भी चूज करके हम उस तरह का डिजाइन बना लेते हैं। अभी मैं यहाँ पर डिजिटल बुक, ये एक थीम है, मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। हम इस पे काम करेंगे बिल्कुल जीरो से। दूसरा ये तरीका है कि यहाँ पर जो एक वेबसाइट है उसमें हमें ना थीम मिल जाएंगे वर्डप्रेस के, हम उनको डाउनलोड करेंगे, पेड वाले होंगे, और उनको अपने यहाँ पर, यहाँ अपलोड थीम की ऑप्शन है तो उस फोल्डर को यहाँ से अपलोड कर लेंगे अपने इस डैशबोर्ड के लिए। तो हमारा जो पेड थीम होगा वो भी इसमें आ जाएगा। फर्क क्या है दोनों में, कि जब हम पेड थीम पे काम करेंगे तो उसमें सब पेजेस बने होंगे वन टू ऑल, उसमें होम भी बना होगा, कॉन्टेक्ट का भी बना होगा, कोई गैलरी का है वो भी बना होगा, कोई लैंडिंग पेज, जो ये मेन्यू में हमें नजर आ रहे हैं ऊपर से ये जो चीजें नजर आ रही है ना ये सब बने होंगे उन पेज। हमें जो चाहिए होगा हम वो रखेंगे, जो नहीं चाहिए होगा वो हम उसको डिलीट कर देंगे, उसका ये फायदा। और जब हम इन थीम्स के ऊपर काम करते हैं तो इनमें हमें खुद से बताना पड़ता है कि मुझे यहाँ पर ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, हमें बनाने पड़ेंगे, हमें उनकी एडिटिंग, उनकी डिजाइनिंग, उनके इमेजेस सबको सेट करना पड़ेगा। ये बिल्कुल खाली है अभी, ये देखें ये इस तरह का नजर आएगा बिल्कुल खाली। लेकिन जो पेड थीम आएगा हम डाउनलोड करेंगे, बजाय इसके कि अगर देखा जाए कि वर्डप्रेस के थीम जो उनसे हैं वो कितने में आ रहे हैं। किसी एक वेबसाइट पे चले जाते हैं, यहाँ पर कोई थीम होगा $50 का, कोई $60 का, तो हमने पेड ही नहीं करना। ये देखें ये है फ्री वाला,
और ये भी फ्री, कुछ ऐसे प्रीमियम थीम, फ्री थीम्स में लिमिटेड ऑप्शन, और जो पेड थीम होगा वो जो उनसे है उसमें सब ऑप्शंस जो उनसी हैं वो बिल्ट इन आएंगी, जैसे ये $18, $12, $9, इससे बढ़ता जाएगा काम। हमने पैसे नहीं खर्च करने, हमने ऐसे सोर्सेस को यूज़ करना कि हम फ्री में रहते हुए वेबसाइट जो उनसी हैं उनके उनके लिए पेड थीम, हम नेट से सर्च करेंगे वर्डप्रेस थीम्स, ठीक है, हमारे सामने वेबसाइट्स आ गई जिनके ऊपर थीम्स पड़े हुए हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मुझे ना वर्डप्रेस का चाहिए कोई कॉर्पोरेट की कोई एजुकेशन, ये हमारा ये कुछ आ गए। आपने क्या करना है, इस थीम के नाम को, ये $60 का थीम है। अब मैं सर्च करना चाह रहा हूँ कि जो मेरे पास फ्री पेड वाली वेबसाइट है जिस पर से मैं इस पेड थीम को डाउनलोड करूँगा, ये सब आप ना नोट कर लें, themelock.com। यहाँ सर्च बार में हम इसको डालेंगे और सर्च करेंगे, वो कहते जी ये है मेरे पास, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये आ रही है एडवर्टाइज आ गई। अब ये देखें यहाँ पर ये थीम है $60 का, और यहाँ पर जो हमने साइट खोली यहाँ से हमें ऑप्शन मिल रही है कि हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड करेंगे, ये लिंक्स आ रहे हैं, इस लिंक्स में से किसी एक को भी हमने कॉपी करना है और नेक्स्ट URL के अंदर हमने इसको पेस्ट कर देना। अब ये देखें 102 MB की फाइल, यहाँ क्लिक करेंगे, कोई ऐड आ रही है उसको बंद करेंगे, और इसने कहा कि आपको लिंक चाहिए तो यहाँ पर क्लिक कर दे, मैंने क्लिक कर दिया। इसके बाद उसने ये लिंक दे दिया, ये जो आ रहे हैं ना हर एक का अलग अलग होगा, आपने उस प्रोसीजर को केयरफुली रीड करके उसी प्रोसीजर को आपने फॉलो करना है तो फिर आप ना डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसने कहा यहाँ पर ये डाउनलोड का बटन आ गया, ये डाउनलोड हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक बार मैंने इस लिंक से कर लिया और दूसरी बार मैं अगर किसी दूसरे PC पे बैठा हूँ या मैंने पहली बार में डाउनलोड नहीं किया तो, या जो लिंक मैं ओपन कर रहा हूँ मुझे उसके समझ नहीं आई, तो यहाँ इतने ज़्यादा लिंक हैं हर एक का अपना तरीका होगा, उसको फॉलो करते हुए हम थीम को डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सेक्शन में मैं आपको ना यहाँ से एक पेड थीम को उठा के उसकी अपलोडिंग का तरीका मैं बताऊंगा। तो प्रोसीजर यही है कि ये वेबसाइट कौन सी है, मैं आपको ये इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि आप भी इसमें से पेड थीम को लेना है। आपने क्या करना है, नेट से देखना है, थीम की लिस्ट निकाल ली, लिस्ट निकालने के बाद उसका नाम जो उनसे है आपने सर्च बार में डाल देना है। यहाँ सर्च बार में डाल देना है, वो आपको नीचे लिंक दे देगा डाउनलोडिंग के। तो फिर उसको हम अपने डैशबोर्ड में एंटर कर लेंगे। हमारे पास अभी डैशबोर्ड में ये बिल्कुल खाली वाले थीम है, हम इनको यूज करेंगे, नेक्स्ट जब हम प्रैक्टिस करेंगे हम नेट से पेड थीम को डाउनलोड कर लेंगे, या आप इसी साइट से, मैं आप सबको यहाँ पर मैसेज में दे देता हूँ, आप इस लिंक को बुक मार्क कर लें साथ। अच्छा, मैंने ये थीम को एक्टिव कर लिया, और देखें जब भी हम ये कोई एरर आ रहा है इस थीम में। अच्छा, जब भी हम कोई नेट से थीम डाउनलोड करेंगे
उसके बाद हमें जरूरत पड़ती है प्लगइन्स की, ऐसे इमेजेस की या ऐसे पेज बिल्डर की जिसमें से हम ना एडिट कर सकें, अपने हिसाब से डाटा को चेंज कर सकें। लोकल होस्ट और बस कंसल्टेंट डब्ल्यूपी एडमिन, ये तो करप्ट हो गया लगता। स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? लोकल होस्ट और बस कंसल्टेंट, ओके। अभी हमारे सामने एक वेबसाइट का डैशबोर्ड आ जाएगा और हम फिर उसमें अपना आगे का काम स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने जो किया था, हम थे सी ड्राइव में, जेम के अंदर आए थे, HT डॉक्स फोल्डर के अंदर हमने अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखा था, और मैं इसी तरह ही करूँगा। जल्दी जल्दी से वो ही प्रोसीजर मैं दोबारा कर दूंगा ताकि हम जीरो से ही इसको लेके चलें। हमारा रैम सर्वर ऑन हो चुका है और इसमें हम फिर आगे इस पे काम करते हैं। ये क्लास, ये लिंक अभी 5 मिनट में एक्सपायर हो जाएगा, तो फिर इसी लिंक से आप फिर दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। अभी तक आप लोगों ने खुद के लिए किस तरह के प्रोजेक्ट सोचे हैं, नीचे टेक्स्ट में करके बताएं कि आप अपने लिए अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहें नेट के ऊपर, तो आप किस तरह का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं? कोई शॉप बनाना चाह रहे हैं, कोई
कोई ऑनलाइन टीचिंग करना चाह रहे हैं, या किसी बिजनेस की प्रोफाइल बनाना चाह रहे हैं, या कोई फैमिली बिजनेस है उसी की वेबसाइट्स को आगे लेकर जाना चाह रहे हैं, तो इस तरह का अगर किसी का कोई आइडिया है तो नीचे टेक्स्ट कर सकता है। मैंने डेटाबेस बनाई लोकल होस्ट PHP माई एडमिन के नाम से, और मैंने जो वर्डप्रेस सेटअप किया है ना, मैं अपने वो उसी डेटाबेस या प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पर दे दूंगा। फिर इसको जब ओपन करना है लोकल होस्ट, आगे प्रोजेक्ट का नाम, कॉस्मेटिक्स सही है, तो लैंग्वेज, ये सभी प्रोसीजर लास्ट टाइम हम करके चले आए हैं। डेटाबेस का नाम, जैसा कि प्रोजेक्ट का भी वही नाम रख लें और डेटाबेस का भी वही रख लें, चेंज कर लें वो हमारी अपनी चॉइस होती है। यूजर नेम में हमें रूट लिखना होता है और पासवर्ड को हमें एम्प्टी छोड़ना होता है, और हम इसको सबमिट कर देते हैं। इसके बाद वो पूछता है कि आपकी जो डेटाबेस है, जब आप डैशबोर्ड में जाओगे तो उसका यूजर आईडी पासवर्ड क्या रखेंगे। मैं कोई भी अभी रख लेता हूँ, हमारा टेस्टिंग पर्पस चल रहा है, और मैं इसको कहता हूँ हाँ जी मेरा वीक है पासवर्ड है, और कोई भी ईमेल अपनी दे दें, उस पर नोटिफिकेशन आएंगे। ये इसलिए दिया जाता है कि कल को कंपनी थीम के अंदर या प्लगइन के अंदर कोई चेंजेस करती है, वो नई नई अपडेशन आती है, तो हमें हमारे ईमेल पे कोई एरर आ जाता है हमारी वेबसाइट के अंदर, तो वो ईमेल में हमें नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं। ये हमारा डैशबोर्ड आ गया, हम थीम पे खड़े थे, एड न्यू में गए और हमने कोई भी हमने सर्च किया, हमारा कीवर्ड था, हम इसको इंस्टॉलेशन कर रहे थे। अच्छा, आप इस तरह भी हो सकता है कि आपने एक थीम इंस्टॉल किया और आप चाह रहे हैं कि अब ये डिज़ाइन ठीक नहीं है, मैं दूसरे थीम पे आ जाऊं, तो आपको जो आपने कंटेंट डाला हुआ था वेबसाइट में वो दोबारा से टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। आप इधर से आके सेकंड थीम को सिलेक्ट करेंगे और वो अप्लाई हो जाएगा आपके कंटेंट के ऊपर। वो जी मेरे कंप्यूटर में कुछ एरर है जिसकी वजह से ना ये मसला कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट सेशन अभी हम कंटिन्यू करते हैं इसके, तो फिर हम दूसरी वेबसाइट को लेके चलते हैं साथ इसको। ये सेशन एंड करने लगा हूँ, 1 मिनट रह गया, तो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। नहीं हूँ मैं।